नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे टैंक्स के बारे में। देखेंगे टैंक्स का क्या रोल था और अब क्या रोल है, इंडिया के पास कौन कौन से टैंक्स है, एवोल्यूशन कैसे इनका हुआ और कैसे ये मदद करते हैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉर अगर हो तो उसमें क्या मदद करते हैं। तो कनेक्ट हो जाइए दोस्तों। जय हिंद जय भारत, कैसे हैं सभी? आइए दोस्तों, शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं अनअकैडमी। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कंफर्ट मिलता है आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का। आप घर बैठे अपनी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और जो एजुकेटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और घर बैठे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे कि आपको तो कंफर्ट मिलता है घर बैठे पढ़ाई करने का, उसके साथ साथ सारा सिलेबस कवर होता है, उसके साथ साथ टॉप एजुकेटर्स एक ही जगह पर मिलेंगे, वो टॉप एजुकेटर्स आपका सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं और वो लाइव टेस्ट सीरीज भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे, सो डैट आपको प्रैक्टिस हो जाए। गॉड ब्लेस यू। आपको बाद में मेमोराइज करने के लिए स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ सारा का सारा मेंटरशिप वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इट मीन स्ट्रेटजी अगर आपको डेवलप करनी है तो टॉप एजुकेटर्स आपके साथ सारे के सारे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आपके साथ रहेंगे। ठीक है जी, टॉप एजुकेटर्स में एनडीए कैटेगरी में अर्पित चौधरी सर, इनके प्रोफाइल पर जाकर आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। और गॉड ब्लेस यू त्रियोद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों अग्रिम शांडाल, हाँ जी गॉड ब्लेस यू हर्षवर्धन, यश चैम्प गॉड ब्लेस यू, रामस्वरूप जयानी सर आपको फिजिक्स में मदद करेंगे, इन सर को भी आप लोग जाकर देखिए फॉलो कर लीजिए। मयंक चतुर्वेदी सर भी आपको मैथ्स में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी जरूर चूज कर लीजिएगा अच्छे से, याद से ध्यान से। ठीक है जी, वहाँ पर आपको मिलेगी प्राइजिंग पेज। प्राइजिंग पेज जैसे कि आप एक साल का इट मीन्स 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जय हिंद दोस्तों, तो आपको 8,000 रुपीज़ उसकी प्राइसिंग रहेगी। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा बाय एंटरिंग अ रेफरल कोड जिसका नाम है टीम अर्पित। टीम अर्पित कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस एंटर करना है, ठीक है। 10% डिस्काउंट के बाद आपकी प्राइसिंग 7,200, 10% डिस्काउंट आपको मिल चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप और पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है। राइट वन, हो जाएगा ये काम? चले बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, आइए जी आइए। चलिए शाबाश दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टैंक्स के बारे में। टैंक्स जो कि किसी ज़माने में वॉर किंग कहा जाता था, एक आर्मर्ड व्हीकल जो कि कैवेलरी को एक एडवांस पोजीशन में ले जाता था। आप सभी ने देखा कि पहले कैवेलरी घोड़े में बैठकर लड़ाई करती थी, है ना, फिर धीरे धीरे कैनन्स आए, फिर उसके बाद आपके टैंक्स आए और अब देख रहे हैं आपके टैंक्स का कुछ तो इम्पोर्टेंस कम हुआ है क्योंकि मॉडर्न तरीके से आपके सामने अब अपने मेन लैंड पर बैठकर आप हिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिसाइल्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मिसाइल्स जो कि पहले टैंक वॉर किंग कहा जाता था, वो होता क्या है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या उसने रोल प्ले किया, इंडिया के पास कौन सा टैंक है, आइए एक बार नज़र डालते हैं। दोस्तों लाइक कर दीजिए, सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। हाँ जी गॉड ब्लेस यू शरत वॉरियर, गॉड ब्लेस यू। चलिए दोस्तों टैंक होता क्या है, सबसे पहले मैं तो स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मैंने आज ये टेक्स्ट बड़ा नहीं किया है। टैंक जो है वो एक आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल है, ठीक है, आर्मर्ड आर्मर्ड, ठीक है, एकदम बचा हुआ है, उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ असर नहीं होता अगर उनके ऊपर गोली वगैरह चलाई जाए तो। ठीक है, इट इज एन आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल टिपिकली आर्म्ड विद लार्ज कैनन माउंटेड, और किसके ऊपर वो
कैनन जो लगी होती है उसको टूरेट बोलते हैं, टूरेट, और कुछ मशीन गन्स भी होती है जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस टैंक में, है ना। दिस इज़ अ टूरेट, दिस इज़ द कैनन, दिस इज़ द मशीन गन्स, है ना। ज़बरदस्त, अरे ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये भाई। अ टैंक इज़ अ कवर्ड इन थिक आर्मर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी वेपन्स। गाइज जब वर्ल्ड वॉर हुआ, इंग्लैंड ने टैंक बनाया, फिर जर्मनी ने, रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने, फ्रांस ने, सब ने टैंक बना डाले। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, है ना। और वो अब वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल भी था, अनकन्वेंशनल तरीके से भी लड़ाई कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल क्या बोले जा रहे हैं, तो भैया दो तरीके से लड़ाई, कन्वेंशनल। हाँ जी, एनी आइडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर क्या होता है? एनीवन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बता सकें, मुझे दिखा सकें, किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो यार, प्लीज़ लेट मी नो। हेलो, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ कॉल बैक। हाँ ऑनलाइन, ओके चलिए मैं करता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है जी, हाँ जी, कन्वेंशनल वॉरफेयर जिसके अंदर टू स्टेट्स, इट मींस टू कंट्रीज, एक दूसरे के साथ हॉस्टाइल रिलेशन में है, अब वॉर कर रहे हैं एक दूसरे से, आमने सामने की लड़ाई, ठीक है। उनके पास ड्रेस भी है, आर्मरी भी है, अपने पास पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे लड़ रहे हैं। आपका वो है कन्वेंशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की भैया हमने कोई अटैक कर दिया अचानक से, किसी दुश्मन का हमने उसके बेसिस तबाह कर दिया, वो अनकन्वेंशनल, इट मींस कि वो इररेगुलर तरीके से उन्होंने कुछ भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने बस वॉर कर दिए जाकर, ठीक है। तो उस टाइम पर अनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों तरीके का मिक्सचर था वर्ल्ड वॉर। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया, फिर वो तो एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का एग्जांपल हुआ। फ्रांस के ऊपर और रशिया के ऊपर कर दिया, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर का ही एग्जांपल हुआ, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं उसके ऊपर, ये एक आपको मैंने एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करी है। चलिए, अ टैंक क्रू इज़ नॉर्मली 3 to 5, एक टैंक के अंदर 3 से 5 लोग बैठ सकते हैं। कौन कौन? ड्राइवर ऑफ कोर्स चलाने के लिए, कमांडर, डिसीजन मेकर्स एंड अ गनर, ये तो होना ही चाहिए हमेशा, अदरवाइज टैंक खुद तो नहीं चलेगा, राइट वन। उत्कर्ष शर्मा जी, नहीं नहीं भूला नहीं हूँ, चलिए आइए, ठीक है। एक लोडर भी हो सकता है, एक लोडर, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया इतना। टैंक्स बिकेम अ वेपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, और यहाँ पर आपने सुना भी होगा पैंजर टैंक्स, पैंथर टैंक्स, T-49, T-45, ये टैंक्स सभी आपका स्टुआर्ट अमेरिका के, ये सभी टैंक्स थे काफ़ी फेमस। एक बार नज़र डाल लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। द बैटल ऑफ कॉर्क्स वॉज द ब्रिटिश वेल नोन वर्ल्ड वॉर टू वॉर द बिगेस्ट वेल नोन वर्ल्ड वॉर टू टैंक्स वर द जर्मन पैंजर, पैंथर एंड द टाइगर वन, सोवियत T-34, उसके साथ साथ आपके मटिल्डा ऑफकोर्स ब्रिटिश का, चर्चिल, ठीक है, आपका M4 शर्मन, और उसके साथ स्टुअर्ट टैंक आपके अमेरिका के, कैसे थे दिखने में? चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये तो भैया जर्मन है ना, दिस वन इज जर्मन। ये पैंजर टैंक, पैंजर बनाया जर्मनों, जर्मन ने ही तो बहुत बढ़िया था, है ना, बनाया जर्मन, जर्मन ने ही बहुत बढ़िया था। लुक एट इट्स बिल्ट, सीरियसली दिस वन इज रशियन पैंजर टैंक। इसके बाद ये फ्रेंच है, ये थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे देखने में, मतलब आई डोंट नो इसकी कैसी थी स्ट्रेंथ, बट थोड़ा सा मुझे जर्मन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। ये आई थिंक जैपनीज है, दिस वन इज जैपनीज, जैपनीज इज दिस वन, दिस वन इज जैपनीज। दिस वन इज अमेरिकन, यूएसए मेड,
दिस वन इज ब्रिटिश, दिस इज मटिल्डा, दिस इज मटिल्डा, बट जर्मन क्वालिटीज, यस। अरे नहीं ऐसे कैसे। चलिए, तो दिस वर सम टैंक्स जो कि काफी प्रोमिनेंट थे आपके वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर। इन टैंक्स को वॉर किंग्स कहा जाता था, यही डिसाइड करते थे कि क्या कोर्स भी रहेगा और कौन सी आर्मी विक्ट्री की तरफ जाएगी, है ना। तो दिस वर सम टैंक्स। अब टाइम के साथ साथ वॉरफेयर का तरीका बदलता गया, टाइम के साथ साथ टैंक्स की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी कम होती गई, क्योंकि न्यू आर्मामेंट्स ने उनकी जगह ले ली है, मिसाइल्स ने जगह ले ली है। और तो अब तो ड्रोन्स वगैरह आ गए, है ना। लेकिन फिर भी इंडिया के पास मेन बैटल टैंक है, और हर किसी कंट्री के पास मेन बैटल टैंक अपना होता है, ठीक है जी। और आजकल जो टैंक है वो स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग का कैसे, जैसे कि ये जी आपका देखिए, ये टैंक माइन स्वीपर है ये, ठीक है। किसी ने लैंड माइंस बिछाए हुए हैं, साफ कर देता है, ठीक है, माइंस वगैरह। उसके साथ साथ एक ये टैंक हमारा ब्रिगेड लेयर टैंक T-72 ये ब्रिज का काम करता है, है ना। ये ब्रिज का काम करता है, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग का भी काम करता है। किसी स्टीप स्लोप की तरफ चला गया, नॉट स्टीप स्लोप, लेकिन किसी वैली की तरफ गया और उसने आगे फॉरवर्ड करना है, मार्च करना है किसी प्लटून ने, तो इट कैन हेल्प, ठीक है। इंडिया के पास है ये, ठीक है। राइट वन, ब्रिज लेयर टैंक्स बोलते हैं इन्हें, ब्रिज लेयर टैंक्स, ठीक है, ठीक है जी। ब्रिज लेयर टैंक्स ये आपका माइन स्वीपर है, माइन स्वीपर। ये चीजें होती हैं, सर्च कर लेना माइन स्वीपर टैंक्स कैसे होते हैं, काम आएगा आपके, ठीक है। मैं आपको पहले से ही एक रेडीमेड मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप आई एम डूइंग एटलीस्ट समथिंग फॉर यू गाइस। यस, सो दिस वन इज योर ब्रिज लेयर्ड टैंक्स, इंडिया का है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए, लेकिन टैंक सबसे पहले बनाया किसने, क्या हुआ था, आजकल क्या चल रहा है, गाइस। कैवेलरी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले तो घुड़सवार वगैरह काम करते थे, है ना, फॉरवर्ड करते थे, बाद में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो फ्रांस ने सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल बनाए, पहले उन्होंने आर्मर्ड वैगन बनाए, कैसे, चलिए देखते। दिस वन इज द आर्मर्ड वैगन, कंपनी का नाम सॉरी मैंने फ्रांस बोला है, इंग्लैंड ने बनाए थे। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्मर्ड व्हीकल सबसे पहले 1900 में इंग्लैंड ने बनाए थे, जॉन फ्लावर एंड द कंपनी ने, ठीक है जी। ये स्टीम ट्रैक्शन इंजन था, और ये साउथ अफ्रीकन बोर वार के अंदर 1899 से 1902 तक जो चली थी उसके अंदर यूज किए गए थे, और काफ़ी कैजुअलिटीज कम हो गई थी, और ऑफकोर्स एक लीड पोजिशन मिली थी इंग्लैंड को। उसके बाद फिर थोड़ी सी और इम्प्रोवाइजेशन इसके अंदर की गई। द फर्स्ट मोटर व्हीकल यूज एज द वेपन कैरियर वॉज अ पावर्ड क्वाड्रीसाइकिल ऑन विच F.R. Simmons माउंटेड अ मशीन गन इन 1899 इन इंग्लैंड, दिस वन ओनली। इसके बाद फ्रांस ने भी एक आर्मर्ड व्हीकल बनाया था लाइक दिस। अब यहाँ से भैया ये जो टैंक है, दिस वन इज द ब्लू प्रिंट, या हम कह सकते हैं कि अ ड्राफ्ट, जिसने कि मॉडर्न टैंक्स को जन्म दिया, फ्रांस ने बनाया था ये, है ना। चलिए, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर व्हील्स ही यूज हो रहे थे,
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू त्रियोत। गाइज कोबरा कमांडोज के ऊपर सेशन आई बिन प्लानिंग टू मेक इट, बट फिर मैंने सोचा कि आर्म फोर्सेस के तक ही मैं सीमित रहूं कि मैं कोबरा कमांडोज के बारे में भी आपको बताऊं, ग्रेहाउंड्स के बारे में भी आपको बताऊं। तो बताइए गाइज, गिव मी अ लाउड चेयर इफ यू वांट टू सी कोबरा कमांडोज, ग्रेहाउंड्स। हाँ जी, पहले वो बता दीजिए। लव यू टू। हाँ जी सही रहेगा। नहीं मैं सोच रहा था कि सिर्फ आर्म फोर्सेस तक मैं रहूं, लेकिन पैरामिलिट्री के ऊपर फिर हमें जाना पड़ेगा। सो इफ यू अलाउ विद योर ड्यू परमिशन। हाँ जी ठीक रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया यार, चलिए ठीक है सर, ओके ओके हो गया, ठीक है मैं ले आऊंगा फिर आपके कोबरा कमांडोज के ऊपर, ठीक है मिलिटेंट्स के ऊपर होगा वो, आई मीन मिलिटेंट्स को काउंटर करने के लिए कोबरा कमांडोज। यस मिलिटेंट्स एंड टेररिस्ट दो सेपरेट वर्ड है। ये मैंने देखा था एक वीडियो मेजर गौरव आर्या जी का, और उसके अंदर आई केम टू नो, फिर उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा देखा समझा तो पता लगा, ठीक है जी। सो दिस वन फ्रेंच मेट, इसको वारकार बोलते थे, ठीक है इसको बोलते ही थे वारकार, ठीक है ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, परमिशन ग्रांटेड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ओवरवेल्म्ड। यस चलिए हो जाएगा, ठीक है धीरे धीरे सब करेंगे कवर, ठीक है जी। घातक कमांडोज भी, ऑल राइट चलिए गाइज। इसके साथ साथ एक टैंक का म्यूजियम भी है बॉविंगटन इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर वर्ल्ड्स बेस्ट कलेक्शन ऑफ टैंक। अब ये तो अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन थोड़ा सा इनको हम क्रिटिसाइज कम करेंगे क्योंकि इन्होंने इन्वेंशंस की है, ठीक है इन्होंने इन्वेंशंस की है इन्होंने, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इनकी खुद की सरकमस्टांसिस ने इन्वेंशन करवाई है इनसे, है ना। चलिए तो अगर हम ये कह सकते हैं इन्वेंशन इसका नाम दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कैन्यूएशन के अंदर मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि ये वेल बींग के लिए नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, और वो भी डिस्ट्रक्शन के बाद। सो ठीक है इन्वेंशन वगैरह इज़ ओके, बट बेटर हो सकता था थोड़ा सा यार, कुछ बेटर हो सकता था, वर्ल्ड वॉर ना होता कुछ ऐसा, कुछ बेटर हो सकता था लेकिन वर्ल्ड वॉर से इंडिया को यही कि वो शर्त जो रखी गई थी, पहले आप पार्टिसिपेट करो फिर आपको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ग्रांट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमें मिली। हाँ चले कोई बात नहीं। तो वर्ल्ड का म्यूजियम सबसे बड़ा भैया बॉविंगटन इंग्लैंड के अंदर है, जहाँ पर टैंक्स रखे गए हैं, ठीक है जी टैंक्स। अब भैया बात होती है मेन बैटल टैंक की, मेन बैटल टैंक जो कि आज हमने डिस्कस करना है। अब मेन बैटल टैंक क्या होता है, उससे पहले दोस्तों टैंक को कैटेगराइज किया जाता था हल्का मीडियम और भारी, ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं वो वैरायटी हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। अब क्या होता है, कोई भी बिजनेस कोई बंदा करना चाहता है तो कोई भी बंदा ना सोचता है 10 बार कि यार मैं ना शू का बिजनेस नहीं करूँगा, हैं कोई मतलब शू गैलरी या फिर जूते की दुकान नहीं खोलूंगा, क्योंकि एक ही साइज के 6, 7, 8, 9, 10 रखने पड़ेंगे, एक ही डिजाइन के एक ही कलर के, तो बहुत सामान खरीदना पड़ता है, कपड़ों में भी ऐसी है। तो बहुत कम लोग बिजनेस जो करना चाहते हैं वो उनकी पहली चॉइस ही नहीं होती है, या तो स्टैंडर्ड हो सब कुछ, ठीक है। वैसे ही सेम मैंने थोड़ा सा रेफरेंस देने की कोशिश की है कि पहले वेट क्लास के ऊपर बांटा जाता था टैंक्स को कि लाइट है मीडियम हैवी है ना सुपर हैवी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नहीं इतना बजट नहीं है क्योंकि और भी बहुत काम करने हैं, अब डेमोक्रेसीज आ गई है, हैं
और भी बजट डिस्ट्रीब्यूशन करना है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का भी जन्म हो गया है। अब बैटल टैंक्स थोड़ा सा हो गया पीछे, और कोल्ड वार के दौरान स्पेस के अंदर ढेर सारा इन्वेंशंस हुई, काफ़ी फॉरवर्ड के अंदर आई कंट्रीज काफ़ी एग्रेसिवली, मिसाइल बॉम्ब्स इन सब का भी वेटेज बढ़ा। किसके पास कितना आर्सेनल है इसके बेसिस पर सुपर पावर्स डिसाइड होती गई है ना। चलिए तो अब क्या हुआ गाइस कि एक मेन बैटल टैंक बनाया गया, सिर्फ एक टैंक, क्योंकि अब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गया, बजट इतना ज़्यादा उसको ग्रांट नहीं करना है कि भैया हैवी लाइट ये सब रखना है, तो एक मेन बैटल टैंक बनाया गया। मेन बैटल टैंक जो कि हैवीली आर्मर्ड होंगे, उसके अंदर हाई कैलिबर गन्स लगी होगी, ठीक है, और दूसरी स्मॉलर लाइट आर्मर्स भी उसके अंदर लगे होंगे। इस बेसिस पे बनते हैं आपके मेन बैटल टैंक। नाउ मेन बैटल टैंक से पहले एक बार देखते हैं हम टैंक की कुछ पार्ट्स के बारे में, जैसे कि इसे टुरेट बोलते हैं, टुरेट, दिस इज योर हल, दिस वन, दिस सेक्टर इज योर हल, ठीक है, दिस इज योर कैनन, ठीक है, दिस इज मशीन गन, यहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर्स हैच इज हेयर, दिस इज योर ड्राइव पॉकेट, इंजन कंपार्टमेंट यहां पर है, इंजन एयर इनटेक भी है इसके अंदर। सो मेन दिस थिंग इज कॉल्ड ट्यूरेट, दिस प्लेस इज कॉल्ड हल, सॉरी योर ड्राइवर्स हैच एंड दिस इज योर हल, ठीक है जी। रिटर्न एग्जाम तक ही रहना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो करनी है यार, कम ऑन। आयुष पता तो होना चाहिए ना क्या है पार्ट्स की, बस टैंक, कौन सा मेन बैटल टैंक है अर्जुन, कौन सा MK2, बस इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, नहीं है यार, कम ऑन। 21st सेंचुरी के अंदर अब कैटेगराइज किया टैंक्स को ऐसे नहीं कि लाइट हैवी वेट, क्योंकि वो वॉरफेयर का जो तरीका था वर्ल्ड वॉर का वो पुराना हो गया, खत्म फिनिश, ठीक है। अब उसके बाद भैया यहाँ पर दो ऑप्शंस के साथ टैंक्स को बनाए गए, सॉफ्ट किल एंड द हार्ड किल, उसको भी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिट किया, जैसे कि सॉफ्ट किल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड रडार वार्निंग रिसीवर्स विच कैन डिटेक्ट इनकमिंग एंटी टैंक मिसाइल एंड प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है। एंड हार्ड किल के अंदर भैया आप बस एंटर कर गए हैं, क्रॉस बॉर्डर आपने एडवांटेज कर लिया है, ये वही काम करते हैं जो वर्ल्ड वॉर के अंदर पैंजर टैंक के अंदर पैंथर टैंक्स ने करा था। मेन बैटल टैंक मैं आपको इसकी कैटेगराइजेशन बता चुका हूँ कि सुपर हैवी के अंदर ही आते हैं, और इनका जो कंपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी भी तरीके से कोई कैजुअल्टी नहीं पहुँचाता है। इंडिया के पास कौन सा है इंडिया के पास कौन सा है मेन बैटल टैंक, दो चीज़ बतानी है आपने, इंडिया का MTB नेम और एंटी टैंक मिसाइल कौन सी इंडिया के पास, ये भी आपने बताना है। चलिए जी, नेट इशू आ गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, डू टैंक्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट, इन कैवेलरी में लिख देता हूं, इन आर्मी सीधा सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, इफ यस How
इफ नो वाई, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल सो डैट आपको पता लगेगा कि वॉरफेयर का क्या तरीका है। हालांकि मैं आपके सामने स्टार्टिंग से ही ये बात बोल रहा हूँ कि वॉरफेयर टाइम टू टाइम चेंज होती गई है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड द इंडक्शन ऑफ द न्यू वेपन्स ऑफकोर्स, ठीक है जी। और वॉरफेयर का अगर तरीका बदला है तो वॉरफेयर का तरीका भी क्या बदला है, क्योंकि पहले तो सीधा कॉलोनीज थी, लैंड एक्सपेंशन का मेथड था। अगर वॉरफेयर का तरीका बदल गया है तो चाइना लैंड एक्सपेंशन में लगा हुआ है, क्या उसके लिए टैंक्स इंपॉर्टेंट है? इज चाइना स्टिल प्रोड्यूसिंग टैंक्स विद द सेम जीलर्स जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हो रहे थे? इफ नो तो फिर चाइना क्या बना रहा है ना। चलिए ठीक है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी उसकी जगह ले ली है, अब टैंक्स के ऊपर वो काम नहीं होता क्योंकि कम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको चाहिए एक कमांडर भी चाहिए, एक ड्राइवर भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक लोडर भी चाहिए, है मशीन गन को भी हैंडल करना है, और उसके साथ साथ भैया हैवी भी बहुत होता है, लोकेशन भी कम हैंडल कर प्रोटेक्ट कर पाते हैं। माइंस भी कहीं लगी है तो उसके लिए फिर हमें पहले दूसरा टैंक भेजना पड़ेगा, फिर उसके पीछे मेन बैटल टैंक आएगा। क्लियर वन, ठीक है। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर आपने कुछ अगर ऐड करना है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है, कैसे आपने अपने व्यूज़ को रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये आपको दिया है, प्लीज़ ट्राई टू गैदर सम नॉलेज एंड ट्राई टू एक्सप्रेस, ठीक है। अपने फादर के साथ, आप अपने ब्रदर के साथ या मिरर के सामने भी आप बोलने की ट्राई कर सकते हैं सो डैट आपको कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। नाउ और इसके साथ साथ आप यूनाइटेड नेशंस का भी रोल मत भूलिए, क्योंकि अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, हर कंट्री ने मेंबर है यूएनओ की और अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। पहले के टाइम पर मोनार्की ट्रेड ओरिएंटेड वॉर थी वो, है ना, ट्रेड के चलते। हो जाएगा ये, गिव मी अ लाउड चेयर डेट यू गाइज विल ट्राई दिस थिंग, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी, राइट वन। चलिए, इंडिया के पास द मेन टैंक इज मेन बैटल टैंक अर्जुन, हालांकि मेन बैटल टैंक के पास जो माइन स्वीपर्स है वो लगे हुए हैं जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं। दिस इज मेन बैटल टैंक अर्जुन MK2 एंड माइन स्वीपर्स इसके आगे लगे हुए हैं और वो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोटेट कर रहे हो, बस वो एग्जीक्यूट करते हुए हटा देगा उसको, है ना। एक गनर भी है इसमें, आई मीन एक MG भी है इसके अंदर, टुरेट एंड द कैनन। इसका हल देख लीजिए आप, ड्राइवर्स हैच देख लीजिए, ठीक है। दिस इज द ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर्स हैच इज दिस, दिस पोर्शन इज ड्राइवर्स हैच, दिस इज द हल, ठीक है, दिस इज ट्यूरेट, दिस इज द कैनन, राइट वन। ठीक है जी, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो मेन बैटल टैंक अर्जुन, अर्जुन के फीचर्स में 120 mm की मेन राइफल गन है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। उसके साथ साथ भैया इसके अंदर एक कोएक्सियल मशीन गन लगी हुई है, ठीक है, एक 12.7 mm की मशीन गन भी है। मल्टी फ्यूल डीजल इंजन रेटेड एट 1400 हॉर्स पावर के साथ 67 km/h की इसकी स्पीड है, ठीक है। फोर मैन क्रू, कमांडर, गनर, लोडर एंड द ड्राइवर इसके साथ, और ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन एंड NBC प्रोटेक्शन सिस्टम आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये मेन बैटल टैंक की सारी क्राइटेरियाज को पूरा करता है। हालांकि इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन द मिसाइल्स
एंड द ड्रोन्स एंड द स्टेल्थ फाइटर्स एंड इंडिया की एंटी टैंक मिसाइल का आपने नाम नहीं बताया। अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, समझ गया आप कौन है। ठीक है, एक क्वेरी और आप लोगों के लिए, एक क्वेरी और, उसे भी आप सॉल्व करेंगे एंड आई विल टेल यू लेटर इन अनदर सेशन। ठीक है जी, क्वेरी ये कि सुखोई, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, सॉरी, बट सुखोई एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वो फिट क्यों नहीं बैठ रहा है। ठीक है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं सुखोई के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वो सूट नहीं करता, मैच नहीं करता। ठीक है, तो एक बार आप वो भी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड आई विल डिस्कस द सेम थिंग इन अनदर सेशन विद यू गाइज विद मोर विजुअल इफेक्ट्स, राइट, जैसे कि मैं हमेशा आपके सामने करता हूँ। ये था दोस्तों टैंक्स का कुछ इतिहास, कुछ उसकी स्पेशलाइजेशन, कुछ फीचर्स। इंडिया की भी हमने बात करी, पैंजर टैंक भी देखा हमने, हमने मटिल्डा भी देखा, लेकिन मुझे सबसे फनी, और फनी भी कह सकते हैं आप उसको, और थोड़ा सा अजीब मुझे फ्रांस का लगा, दिस वन, दिस थिंग। बट ठीक है, इट वॉज गुड, बट दिस पैंजर टैंक जर्मन मेड वॉज ओवर पावर्ड यार, दिस वन वॉज ओपी, दिस इज रशियन मेड। यार एक बात मैंने देखी है, आप लोग ये नहीं सोचते कि मजा तो मैं आके देता हूं अभी आपको। हाँ ठीक है जी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत, प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना इस सेशन को। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।